हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। हे प्रभु, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पा, वरन जितने तेरी वाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना हो। परंतु जो आकारण विश्वास खाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे परमपिता, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही वाट जोता रहता हूँ। हे परमपिता, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे प्रभु, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझ पर स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाए। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा दे, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखा। जो परमपिता की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत क्षमा कर। वो कौन है जो परमपिता का भय मानता है? परमेश्वर उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी हो। परमेश्वर के भेद को ही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव परमेश्वर पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वो मेरे पांव को जानत उसने से छुड़ाएगा। हे परमपिता, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्टों पर दृष्टि और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए और मुझसे बड़ा भय रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा और मुझे लज्जित होने ना, क्योंकि मैं तेरा शरणागत, खराई और सिधाई मुझसे रक्षित रख, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे इज़राइल के परमेश्वर, मेरी मदद उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा, मुझे भाली भांति धो, मेरा अधर्म दूर और मेरा पाप त्याग, मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न और पाप के साथ अपनी माता के घर में। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होगा और मेरे मन में ज्ञान आएगा। जो पास मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीन से वैदिक वेद बन, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुन। इससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले
और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाला। परमेश्वर हम पर अनुग्रह और हम को आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश दे, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हो दास सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोगों तेरा धन्यवाद करें। हे प्रभु, मुझे अपनी विधियों को मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूं। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरी मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चित्तौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे चला। तेरे वचन जो तेरे भाई मानने वालों के लिए, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर। हे प्रभु, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रो, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा चलता रहूं और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे सुधी रखी और मैं तेरे चित्तौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँ और संकोच ना करूँ, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ लाऊंगा और तेरे विधियों को ध्यान करूँगा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन।